अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज फाइनली वो दिन आ गया कि आज है जी ऑटो शो। तो अभी हमने जाना है ऑटो शो पे, तो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 11 बज गए। तो तकरीबन हमारा प्रोग्राम जो है वो 12 बजे तक निकलने का। अभी अभी मैं उठा हूँ, तो पहले नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, तो फिर कपड़े वगैरह चेंज करके तो चलते हैं। तो पहले कर लेते हैं नाश्ता। अभी खा लेते हैं मेरी फेवरेट डिश मकई की रोटी की और दही में चूरा करके। तो अभी ये खा लेते हैं, चाय भी गर्म होगी। नाश्ता वगैरह कर लिया, तो अभी नहा के कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं और चूजों को दाना डालने वाला है तो वो भी डाल लेते हैं। तो आज जो मैं कपड़े पहनने वाला हूँ ना ऑटो शो के लिए, तो मेरे दिल के काफी ज्यादा करीब है। तो अभी आपको दिखाता हूँ, तो बताता हूँ मेरे दिल के इतने ज्यादा करीब क्यों है। तो ये जीन की पैंट है, तो ये तो नहीं दिल के करीब, ये तो वैसे पहननी है। तो ये चीज है, तो ये मेरा अपर और ये मेरी टी शर्ट। ये चेक करें तो यहाँ पे बाइक बनी हुई है, मेरी फेवरेट बाइक H2। तो ये वाली शर्ट है, तो ये भी इतनी ज़्यादा मेरे दिल के करीब क्यों है, वो इसकी एक वजह है। तो वो वजह पहले एक मैं दोनों सीधी करके रख दूँ। तो ये दोनों जो डिज़ाइन है, तो वो मेरे दिल के इतने ज़्यादा करीब क्यों है। ये भी डिज़ाइन मैंने खुद डिज़ाइन किया था अपने लिए, तो ये पूरे दुनिया में एक ही शर्ट है, वन एंड ओनली, तो वो मेरे पास है। तो ये भी जो जैकेट है, तो ये भी मेरी जैकेट है, तो ये भी मैंने ही डिज़ाइन की थी। तो ये वाला लोगो बनवा के, तो ये भी मेरे पास ही है एक। लेकिन इसके दूसरे कलर जो है काफ़ी ज़्यादा सेल हुए थे, तो एक मेरे भाई के पास भी है, लेकिन ये वाला जो खास कलर है ये सिर्फ मेरे पास है। तो ये दो चीज़ें हैं जो मेरे दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब है। मुझे इन्हें देखे ना बड़ा अच्छा सा फील होता है, तो इसलिए मैंने आज ये पहनी है। मैंने कहा ऑटो शॉप पे भी जाना है, तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स टाइप कलर्स हैं और अच्छे लगेंगे, तो इसलिए मैं पहने लगा हूँ। तो अभी ना आके कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। हाय, चलो जी इन्हें खुराक वगैरह डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए गाइस, नहा के कपड़े वगैरह भी मैंने चेंज कर लिए हैं और अपने ग्लासेस वगैरह भी चेंज कर लिए हैं। टाइम अभी हो रहा है तकरीबन 12:45 हो रहे हैं, तो 12 बजे हमारा निकलने का प्रोग्राम है यहाँ से। तो इसलिए अभी गाड़ी वगैरह निकालते हैं और फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। ये बैग भी साथ लेके जा रहा हूँ, इसमें मैंने पानी वगैरह बॉटल्स वगैरह रखी हैं पानी वाली, ताकि वहाँ पर हो सकता है पानी हमें पीने को ना मिले। तो इसलिए एहतियात साथ लेके जा रहा हूँ पानी, वहाँ पर प्यास काफ़ी ज़्यादा लग जाती है, तो इसे यहाँ पे रख देते हैं। अपने ये वाले ग्लासेस भी ना साथ ही रख लेता हूँ, हो सकता है रास्ते पे हमें रात हो जाए, तो इस वाले ग्लासेस के साथ रात टाइम गाड़ी नहीं चलाई जाएगी, तो ये भी साथ रख लेते हैं। चलिए जी गाइस, अभी चलते हैं। तो फिलहाल मुदम्मल भी मेरे ख्याल आ गया बाहर, तो मुदम्मल आ गया, तो मौसम को साथ लेना है। तो पहले हमारे साथ हाफिज अली भी जा रहा था, हमारा फ्रेंड दुकान वाला, तो अभी उसका प्रोग्राम सुबह सुबह ही कैंसिल हुआ है। तो अभी जाते जाते उससे भी पूछते हैं कि उसका प्रोग्राम क्यों कैंसिल हुआ। आजा बैठ जा, आजा आजा। हंस रहा हंस रहा हंस रहा, की मजा खोली खिड़की। मलक जा रहे लैन आया, बंद कर दुकान। चल ठीक है, लै बंद कर दिया, इदा दिन की होंदा। आजा, वालेकुम अस्सलाम, सलाम तो ले ला। पेट्रोल बाकी पवाना जा के फैसलाबाद तो। गाड़ी पहुंच, गाड़ी अभी यहाँ पे नीडल है गाड़ी की, तो पेट्रोल बिलकुल खत्म है। मौसम क्या है, हाँ गल ठीक है, लेकिन मैं कहना पवा रहे हैं, मेरी डिस्क लाजमी लेना। पेट्रोल पंप भी सामने आ गया, तो पेट्रोल डलवा लेते हैं यहाँ पे। सर जी गोला पंप आ गया, चलो ब्रेक लानी। चले हैं यार, की हो गया, पहुंच गए हैं। यार आज मसला पता नहीं क्या है, हर सड़क ही बंद की है, पहले पीछे डिवाइडर था, अब यहाँ पे कर दिया है, तो पता नहीं आगे क्या मसला है, एहतजाज हो रहा है, क्या हो रहा है। इधर हो रहा है कबड्डी का मैच, तो इसलिए सड़क बंद की थी, और इंटरनेशनल किस्म का मैच हो रहा है यहाँ पे कबड्डी का। फाइनली जो है हम ऑटो शो पे पहुंच गए हैं, गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्क कर दी है हफाजत के साथ, तो अब इंशाल्लाह ऑटो शो घूमते हैं। तो काफी ज्यादा शोर है यहाँ पे, तो काफी ज्यादा शोर आ रहा है, तो ऊपर जाके ब्लॉग तो नहीं कर सकेंगे, सिनेमैटिक्स जो है वो आपको दिखाते हैं।
यहाँ पे थोड़ा सा शोर काम है तो मैंने कहा ब्लॉग भी कर लेते हैं और पीछे गाड़ी दिखा देते हैं। ये वाली हमारी कंटस के साथ वाली गाड़ी है, तो इस तरह की लगती है कंटस स्पोर्ट कार, अगर मॉडिफाई थोड़ी सी की होना तो इस तरह की लगती है। अभी तो ऑटो शो अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो नीचे वाला पोर्शन अभी हमने देखा है, तो अभी ऊपर भी एक पोर्शन है, वो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तकरीबन 3 बज गए, तो ऑटो जो ऐसा 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 है 3 बज गए यार, काफ़ी ज़्यादा शोर है यहाँ पे, तो अभी काफ़ी ज़्यादा ऑटो जो गाड़ी आ गई है, तो काफ़ी ज़्यादा आने वाली रहती है, तो अभी देखते हैं क्या क्या आता है, कौन कौन सी गाड़ी आती है, तो जो मुझे जिसका इंतजार था वो गाड़ी तो आ गई है, तो अभी देखते हैं कोई और गाड़ी आती है कि नहीं आती। मुजम्मल और अली वहाँ पे खड़े खा रहे हैं, चोरी 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 चाट खा रहे हैं, हमसे चोरी चोरी चाट खा रहे हैं, पूछा भी नहीं, वहाँ से खाना भी नहीं खाया, खाना वैसे मैंने खाया, नाश्ता किया था, दोपहर की रोटी वगैरह खाना वगैरह नहीं खाया, मौलवी साहब सिर दर्द कर रहे थे, नहीं साडा तेरा पीपी लो है, साडा की लो है ना, अंदर पटाखे चलते हैं, पटाखे अंदर तो पटाखे चल रहे, काफी ज्यादा कार हमारे खाली कर, बाइक जो है एंटर होने वाली है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे लाउड जो है म्यूजिक चल रहा है, इस बाइक का शर्ट पहन गया हूँ, वो बाइक अभी तक नहीं आई, तो उसका बहुत इंतजार है मुझे, तो वो कहाँ पाती है देखते हैं। बाइक आ गई,
ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਫੁੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਘੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਓਵੇ ਉਹ ਜਿੱਦੀ ਵੇਖਾ ਓਵੇ ਓਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਘੱਟਾ ਉੱਡਣ ਦਿਆ ਓਵੇ चले जी गई अभी जाने लगे हम वापस तो काफी ज्यादा जलीलो खुआर हो गए ऑटो शो पे एंजॉय भी काफी किया शो को तो अभी वापस जा रहे हैं तो सामने लगा हुआ लंबा अच्छा खासा जाम लगा हुआ तो हमारी गाड़ी अभी पार्किंग में ही है ऊपर तक जो है जाम ही है सारा तो नहीं कितना टाइम लगेगा यहाँ पे अभी बाहर भी सारा जाम है और यहाँ पे भी जाम है तो वैसे ली पौना घंटा लग गया ना अपन मेन हाँ इदा ही है ऑटो शो कैसा लगा ली आला मुदम्बल मेनू पूछ हाथ पकड़ ली आला आला अभी यहाँ पे सारी लाइन लगी हुई है तो ये सारी लाइन बाहर जाने के लिए है तो बाहर बता रहे हैं कि जैम पैक हुआ पड़ा तो 12 हमें यहीं बस सकते हैं तो हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है तो आगे सारा ऊपर तक जो है जैम पैक ही है और ऊपर सड़क भी सारा जैम पैक है तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये सारा ऊपर तक जैम पैक सारा पीछे से रास्ता खुल गया तो अभी पीछे से चलते हैं जल्दी जल्दी से अभी यहाँ से जाने लगे हैं फुली ऑफ रोड रास्ता फुली ऑफ रोड रास्ता आहिस्ता से चलते पहले ये गाड़ी जाने देते हैं फिर निकलते हैं ओए 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 मरी जाके दे चेडू भारी है इस तरफ फुल्ली जैम पैक है तो इस तरफ भी जैम पैक हो ही गया तकरीबन हल्का सा रास्ता मिल रहा है यहाँ पे मौसम और मुजम्मल बाहर गए हुए हैं तो वो ट्रैफिक ठीक करवा रहे हैं इस साइड वाली ट्रैफिक चल रही है अभी तो ये वाली जैम हो गई है ओ आगे दी की सूरत हालो दस ओ बाबा ही गन्ने दी ट्रालियां नाल बलोच टाइम चीमा टाइम चौधरी टाइम ईसा टाइम मूसा टाइम ओ आगे तक जो है रास्ता बंद ही है जैम पैक हुआ बड़ा इस साइड वाली रोड जो है बिल्कुल खुली लेकिन गाड़ी इस साइड जा नहीं सकती तो आगे तक सारी रोड बंद है फाइनली रास्ते निकल चुके हैं तो अभी दूसरी तरफ रश है तो वहां पे चलते हैं ब्लॉग काफी ज्यादा लंबा हो गया इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म कर देते हैं आज वाले ब्लॉग को यहीं पे खत्म कर देते हैं उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को कर दे सब्सक्राइब तब तक इतना ही अल्लाह